बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं भारत शर्मा और थ्री डाइकास्टिंग सॉल्यूशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि मैंने पिछले अपने वीडियो के अंदर में बताया आपको कि हमारा जो प्रेशर है वो कितना इफेक्टिव होता है हमारी श्रिंकेज पोरोसिटी और गैस पोरोसिटी पे, तो ऐसा ही एक टॉपिक है जो मैं आज बताने वाला हूँ आपको कि हमें जो है मेजरली अपने जो सोर्स हैं उस पे फोकस करना चाहिए कि हमारे जो गैस पोरोसिटी के जो सोर्स हैं वो क्या हैं और वो सोर्स कितने इम्पैक्टफुल हैं हमारी गैस पोरोसिटी पे। तो आपने ये भी सुना होगा कि हमारे यहाँ डिगैसिंग, जो नाइट्रोजन डिगैसिंग है या फिर टैबलेट की डिगैसिंग है, उस पे काफ़ी जोर दिया जाता है। तो मैं आपको आज बताऊँगा कि वो कितना मेजर रोल प्ले करता है या फिर कितना रोल प्ले करता है हमारी गैस पोरोसिटी को जनरेट करने के लिए, और हमें कहाँ पर फोकस करना चाहिए अपनी गैस पोरोसिटी को कंट्रोल करने के लिए। तो इसको भी समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा। तो आइए समझते हैं एक एग्जांपल के साथ में। यहाँ पे मैंने बोर्ड पे एक एग्जांपल लिया हुआ है, एक कैविटी है हमारी जिसका साइज जो है 300x300 और वॉल थिकनेस जो है 4 mm है, और जिस मशीन पे ये बन रहा है, जिस मशीन पे ये कास्ट होना है, उसका जो ड्राई शॉट लेंथ है वो 400 है और प्लंजर का डाय जो है वो 60 mm है। तो इस सबको लेने का और सबको समझने का पर्पस सिर्फ यही है कि हम लोग इस सिस्टम के अंदर ये जानेंगे कि हमारी गैस इंटरप्शन जो है वो कितना है, और इसको हम लोग वॉल्यूम में निकालेंगे। और दूसरी तरफ मैं आपको एक चीज बता दूं जो कि वीडियो शुरू करने से पहले जरूरी है और जो कि इम्पोर्टेंट है कि हमारा जो गैस है, जो एल्युमिनियम के अंदर में, हमारे एल्युमिनियम अलॉय के अंदर जो सॉल्युबल होती है वो हाइड्रोजन होती है, और मैक्सिमम जो सॉल्युबल परसेंटेज होता है हमारा या मैक्सिमम वॉल्यूम जो होता है हमारा एल्युमिनियम अलॉय में सॉल्युबल, वो होता है हमारा 2.2 cm³/100 g। मीन्स हमारे 100 ग्राम एल्युमिनियम के अंदर में सिर्फ 2.2 cm³ हाइड्रोजन जो है अवेलेबल होती है, या फिर मैक्सिमम इतनी वॉल्यूम जो है हाइड्रोजन का वो कंटेनेट हो सकता है पर 100 ग्राम में। तो हम ये जानते हैं कि हमारे सिस्टम के अंदर में कितनी गैस पोरोसिटी हो सकती है या फिर कितनी एयर जो है इंट्रैक्ट हो सकती है। तो इसको जानने के लिए हम लोग सबसे पहले इस कैविटी का जो है वॉल्यूम निकाल लेते हैं। तो कैविटी का वॉल्यूम है हमारा 30 cm, वेट 30 cm, और जो इसकी थिकनेस है वो है 4 mm, तो इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.4 cm होगा। तो इसका जो वॉल्यूम निकल के आएगा वो आएगा हमारा 360 cm³। तो ये सिर्फ एक कास्टिंग का है, इसके अंदर में हम लोग ओवरफ्लो और रनर का भी कंसीडर कर लेते हैं, 40% और ऐड कर लेते हैं इसमें। तो इसका 40% जो निकल के आएगा वो निकल के आएगा 144 cm। इसको जो हम ऐड करेंगे टोटल शॉर्ट वॉल्यूम निकालने के लिए, तो वो आएगा हमारा 360 + 144 = 504 cm³। तो इस पूरे शॉर्ट के अंदर में हमारी इतने सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम जो है गैस इंटरप्ट हो सकती है बिफोर द शॉर्ट। अब दूसरा जो एयर इंटरप्ट हो सकती है वो हो सकती है हमारे शॉर्ट स्लीव के अंदर में। तो शॉर्ट स्लीव की भी हम लोग निकाल लेते हैं कि कितनी मैक्सिमम एयर जो उसके अंदर आ सकती है। तो उसको निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सिंपली इसका वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। तो शॉर्ट स्लीव का वॉल्यूम क्या है हमारे पास, पाई आर स्क्वायर एच, तो 3.14, रेडियस हम यहां से 3 × 40, तो इसका जो वॉल्यूम निकल के आएगा वो निकल के आएगा 1130.4 cm³।
अब टोटल हम जान लेते हैं कि टोटल गैस कितनी इंटरप्ट हो सकती है हमारे सिस्टम के अंदर में बिफोर शॉट। तो हमारा जो कैविटी का वॉल्यूम था वो था 504 प्लस शॉर्ट स्लीव का वॉल्यूम कितना था 1130.4, तो टोटल हो गया 1634.4 सेंटीमीटर क्यूब। तो हमारी टोटल जो इस सिस्टम के अंदर में कैविटी के अंदर में और शॉर्ट स्लीव में जो गैस इंटरप्ट हो सकती है वो हो सकती है कितनी 1634.4 सेंटीमीटर क्यूब। दूसरी तरफ जो हम लोग डिगैसिंग पे इतना पैसा खर्च करते हैं या फिर इतना जोर देते हैं, तो बस मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमें कितनी इंपॉर्टेंस देनी है। मैं ये कहने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ कि हमें इंपॉर्टेंस नहीं देनी है, कितनी देनी है वो हम लोग जानेंगे यहां पे। अब हमें मालूम है कि 100 ग्राम के अंदर में 2.2 सेंटीमीटर क्यूब मैक्सिमम जो है गैस कंटेमिनेट हो सकती है। तो हम लोग निकालेंगे कि हमारे इस शॉट के अंदर में जो हमारा ये लैडर जो उठाएगा हमारा शॉट जो है वो कितना हाइड्रोजन जो है अपने अंदर में कंटेनमेंट कर सकता है। तो हमें मालूम है कि हमारा 504 सेंटीमीटर क्यूब शॉट का वॉल्यूम है, तो इसको अगर हम वेट में कन्वर्ट करेंगे तो सिंपल है कि वेट इज इक्वल टू 504 मल्टीप्लाई बाय स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.6 है जो, तो इसका वेट जो निकल के आएगा वो निकल के आएगा हमारा 1310.4 ग्राम। तो इतना ग्राम मेटल हमें लैडल के अंदर उठाना पड़ेगा। तो इस 1310.4 में कितनी मैक्सिमम हाइड्रोजन कंटेमिनेट हो सकती है वो हम यहां निकाल लेते हैं कि 100 ग्राम में इतना है, तो 1 ग्राम के अंदर में कितना होगा 0.022 सेंटीमीटर क्यूब, और वन जो हमारा लैडल उठाएगा क्रूसिबल के अंदर से उसमें कितनी मैक्सिमम हाइड्रोजन हो सकती है वो निकालेंगे। 1310.4 के अंदर कितनी होगी इज इक्वल टू 1310.4 मल्टीप्लाई बाय 0.022 इज इक्वल टू 28.82 28.82 तो हमारे इस सिस्टम में कैविटी और शॉर्ट स्लीव में गैस कितनी इंटरप्ट हो सकती है 1634.4 सेंटीमीटर स्क्वायर 1634 सेंटीमीटर क्यूब। दूसरी तरफ जहां हम लोग डिगैसिंग और बहुत सारी चीजें करते हैं वैक्यूम टेस्ट और ये चीजें करते हैं वहां पे कितनी गैस इंटरप्ट हो सकती है बस 28.82, जो कि इस गैस इंटरप्टेशन का सिर्फ और सिर्फ 1.7% है। तो आप डिसाइड कर लीजिए आपको किधर फोकस ज्यादा करना है, डिगैसिंग पे या फिर आपकी इस एयर को बाहर निकालने के लिए शॉट लगने से पहले या शॉट लगते वक्त ये एयर आपकी बाहर निकलना बहुत जरूरी है गैस पोरोसिटी को रिड्यूस करने के लिए, बैक प्रेशर को कम करने के लिए ड्यूरिंग द कास्टिंग फिलिंग। तो हमें मेरा ये सजेशन है इसके अंदर में कि हमें जो मेजरली और फोकस्ड होना चाहिए इस सिस्टम की एयर निकालने के लिए होना चाहिए। हम लोगों को इसके अंदर में एडवांस अगर हम सोचें तो वैक्यूम टेक्नोलॉजी का यूज करना चाहिए। हम लोगों को स्लो शॉट की क्रिटिकल स्लो शॉट जो स्पीड है उसको इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। जब हमारा जो कास्टिंग फिलिंग होती है तो फर्स्ट फेज जो होता है हमारा उसकी स्पीड जो होती है उसकी जो लेंथ होती है उस पे हमें फोकस होना चाहिए। हमारे जो इंसर्ट के अंदर में हमारी कैविटी के जो ओवरफ्लो और जो एयर वेंट होते हैं उस पे हमें उसके डिजाइन पे हमें जो है फोकस होना चाहिए, कितने किस साइज के एयर वेंट होंगे उससे किस वेलोसिटी से हमारी जो एयर उस वेंट के थ्रू बाहर निकलेगी, ये सारी चीजें हमें एक फोकस्ड होके और इन चीजों को समझ के कि हमारी ये चीज कितनी इंपॉर्टेंस है तो उन डिजाइन पैरामीटर पे हमें ध्यान देना चाहिए। ये मेरी तरफ से एक आपको फोकस करने का
सजेशन है कि आपको किधर फोकस करना है, गैस पोस्टिटी को रिड्यूस करने के लिए, मिनिमाइज करने के लिए। तो आपको इस सिस्टम की जो एयर है, इस सिस्टम की जो गैस है वो कम करनी है। डिगैसिंग पे ध्यान देना है आपको, कितना ध्यान देना है, 1.7% आउट ऑफ 100%। थैंक यू गाइस, फिर मिलेंगे।